नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बाइनेक्स्ट में। जैसा कि आपको पता है कि बाइनेक्स टेक रिव्यूज में एक्सपर्ट है और आप लोगों के कारण ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आइए आज मैं बात करूंगा एसईओ टूल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ एसईओ टूल हैं जैसे मोज हुए, स्मर्स हुए, इनके जो प्राइसिंग है बहुत हाई है, लेकिन ये जो सुविधा प्रोवाइड कराते हैं अगर आप चाहें तो उसे लगभग फ्री में पा सकते हैं, वो भी एक वेबसाइट के जरिए। तो मैं आज आप लोगों के को बताने जा रहा हूँ उसी वेबसाइट के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो उस वेबसाइट का नाम है एलेक्सा मार्केट प्लेस, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये तरह तरह की सुविधाएं या टूल्स आपको प्रोवाइड कराता है जो आपके ब्लॉग को एनालाइज करने में या आपके कंपटीटर के ब्लॉग को एनालाइज करने में आपकी मदद करता है। ये लगभग 28 टूल इसके पास है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। हाँ भाइयों, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि है कंपटीटर एनालिसिस, इनबाउंड लिंक चेकर, एसईओ बैकलिंक एनालिसिस टूल, वीकली कीवर्ड चेकर, डोमेन चेकर, एसईओ साइट मैप बिल्डर। इन सब टूल्स की मदद से आप अपने वेबसाइट को और भी मजबूत और गूगल की रैंकिंग में ऊपर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट यूज कीवर्ड ऑप्शन से। ये क्या करता है, ये रिव्यूज योर ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स एंड प्रोवाइड द टेक्स्ट टू कोड रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड द मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड फॉर ईच क्रॉल वेब पेज। ये आपके जो कीवर्ड होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड आपने यूज कर रखे हैं अपनी वेबसाइट में, ये उसका पूरा लिस्ट निकाल देता है। कि जैसे देखिए, ये लिंक डेप 2 है, इन्होंने मेरे 14 पेज के को स्कैन किया, जैसे मैंने अपना वेबसाइट डाला था www.bynext.com और यहाँ एनालाइज पे क्लिक कर दिया था, उसके बाद ये रिजल्ट निकल कर सामने आई। इसमें जो है देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कीवर्ड जो है मेरी साइट में 4510 हैं, जिसमें मिनिमम 666 और मैक्सिमम 11855 को ये इन्होंने स्कैन किया है, और जो एवरेज टेक्स्ट कोड रेशियो है वो 22.17 का है। तो जब आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार का एक डेटा प्रोवाइड करेगा, या तो आप इस डेटा को अपने मेल आईडी पे आप इसे यहां क्लिक करके आप मंगा भी सकते हो। दूसरा जो है वो है पेज स्पीड इनसाइट। ये आपको बताता है कि जो आपकी पेज है वो मोबाइल पे कैसा काम कर रही है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वेब पेज मोबाइल में कितनी देर से खुल रहा है या कितनी जल्दी खुल रहा है डेस्कटॉप पे, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। देखिए, जैसे मैंने अपना डाल रखा बाइनेक्स.com, इसे एनालाइज किया तो जो डेस्कटॉप के लिए मेरा स्कोर है आउट ऑफ 100 में 83, जो कि अच्छा है, लेकिन जो मोबाइल के लिए है वो अभी शो नहीं कर रहा, कुछ इशू होगा। तो वैसे ही ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस इमेज सब कुछ के बारे में बताता है। उसके बाद आपके अगला है वो है ब्रोकन लिंक चेकर। इसमें आप जैसे ही अपना वेबसाइट को इंटर करोगे अपने ब्लॉग को एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ एनालाइज पे क्लिक करते ही ये कुछ आपको ऑप्शन देगा। उसमें है कि आपके जो पेज हैं उसमें कितने ब्रोकन लिंक्स हैं और कितनी डायरेक्टरीज हैं जो बार बार यूज हुई हैं। अगला जो है वो मेटा टैग जनरेटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए कि गूगल रैंक में अच्छा या याहू या बिंग में ये ऊपर आ सके। तो इसके लिए क्या है, इसने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ अपना साइट का नाम लिखिए, यहाँ टाइटल डालिए, कुछ जो डिस्क्रिप्शन देना है एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, और लगभग 255 कैरेक्टर को लेके एक अच्छा सा कीवर्ड तैयार कीजिए, और एक ऑथर पेज भी आप यहां से अपना क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहां जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो जनरेट हो जाएगा। अगला है कि रोबोट .txt जनरेटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जो ब्लॉग एसईओ फंक्शन में। ये है क्या करता है कि जनरेट डायरेक्टरी अपलोडेबल रोबोट टेक्स्ट फाइल विच कैन इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन रोबोट ऑन हाउ टू क्रॉल एंड इंडेक्स योर वेब साइट पेजेस। ये सर्च इंजन को क्रॉल करता है, एक आदेश देता है कि आपका जो वेब पेज है वो वहां कैसा काम करेगा और रैंकिंग में क्या आएगा।
अगला है स्ट्रक्चर डेटा जनरेटर। यहाँ पे आप जैसे कोई भी आर्टिकल आप बनाना चाहते हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं, अपना लोकल बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, वीडियो के बारे में, रेसिपी, जो भी आप बताना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ आर्टिकल पे क्लिक किया तो आर्टिकल में क्या है कि यहाँ पे आप मेन एंटिटी पेज डालना है कि कौन सा आपका पेज है, हेडलाइन क्या होगा, इमेज का यूआरएल क्या है, इमेज का विड्थ और हाइट क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, लोगो है, लोगो की हाइट क्या है, वगैरह वगैरह डालना होगा, ऑथर नेम और डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आप जब जनरेट करेंगे तो ये एक सारा एक डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को एसईओ में ऊपर ला सकते हैं। उसके बाद है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कंपटीटर वेब पेज मॉनिटर। जैसे कि मैंने एक ऐसी डाल रखा है कि साउथ मिलआउट को मैंने अपने से कंपटीट कर रहा हूँ कि कैसा है, तो मैंने जब डाला और अपना ईमेल आईडी डाला तो उसने क्लिक करते ही बताया कि इसने जो है इसके में न्यू लिंक जो जुड़े हैं ये हैं, इसने कौन कौन से कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं वगैरह वगैरह। अगला जो है डोमेन एज चेकर। डोमेन एज चेकर क्या काम करता है, ये किसी भी वेबसाइट की एज और उसका समझो एक तरह से फुल डिस्क्रिप्शन आपको बता देगा। इट प्रोवाइड अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ ऑल इसेंशियल डोमेन इन्फॉर्मेशन सच एज आइडेंटिफाइंग द ओनर, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट एंड मच मोर। तो ऐसे ही डोमेन देखिए, जैसे मैंने अपना कर रखा है binance.com, यहाँ मैंने क्लिक किया या डोमेन नेम आ गया, यहाँ डोमेन रजिस्टर्ड डिटेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल, टेक्निकल कंटेंट डिटेल। अब आइए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कीवर्ड रैंक चेकर की ओर। तो जैसे जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड डालने हैं। जैसे मैंने 5 कीवर्ड डाल रखे हैं, SEO, वेब होस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिस्काउंट कूपन और ईमेल मार्केटिंग का। और यहाँ पे मैंने अपना डोमेन आईडी डाला जो भी हम मेरा वेबसाइट है उसको, और अपने कंपटीटर का जो कि साउथ मिलआउट है, एक तरह से मैं उसे लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया, एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो एक ये रिपोर्ट देता है कि वेब होस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ से रिलेटेड आपके गूगल और बिंग में एक दूसरे से कहाँ कंपटीट करते हैं। अगला है एसईओ वेब पेज एनालिसिस टूल। ये देखिए, जब मैंने अपनी साइट का नाम डाला यहाँ पे और इसे एनालाइज किया तो इन्होंने बताया कि आप ऑन पेज फैक्टर क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये आपको पेज टाइटल दिखा देगा, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में बताएगा कि आपने क्या डाल रखा है, हेडिंग टैग आपने कितने यूज कर रखे हैं, H1, H2, H3, H4, H5 में, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट क्या है, आपके कीवर्ड्स क्या है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि वर्ड काउंट आपने कितने यूज किए हैं, HTML रेशियो क्या है, मिसिंग इमेज अल्ट टैग है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद अगर आप इसमें नीचे आएंगे तो इसमें है कि रिलेवेंट कीवर्ड, आपने कौन कौन से जो है अपनी वेबसाइट में कीवर्ड यूज कर रखे हैं, या आप किसी भी वेबसाइट का कीवर्ड या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे एनालाइज कर सकते हैं। सर्च इंजन में आप जो जब अपने वेबसाइट को डालते हैं तो वो क्या शो करेगा सर्च इंजन में, तो जैसे मैंने अपना डाल रखा है तो ये यहाँ पे ये शो करता है, यूज डिस्काउंट ऑन टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर 2018। ऐसी है URL फाउंड इन द पेज, मतलब कि इसमें कितने URL हैं जो कि यूनिक है और ये गूगल की रैंकिंग में ऊपर आते हैं। वैसे ही है हेडर चेक करते हैं तो ये हेडर के बारे में बताएगा कि आपने कितने हेडर है, क्या है सब कुछ। अगला है इनबाउंड लिंक चेकर, इसमें ये बताते हैं कि आपके आपने लगभग जो आपका लिंक है, जो वेबसाइट है वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है और कौन कहाँ से आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, तो ये सारा यहाँ इसने बता रखा है। आप इसमें से चाहे तो आप लिंक बिल्डिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे डू फॉलो URLs हैं तो ये लिस्ट है, लगभग इतनी 100 की लिस्ट है जिसे आप फ्री में पा सकते हैं, और अगर आप इससे ज्यादा चाहिए होगा लगभग 500 तो आपको लगभग $10 पे करने होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले टूल की ओर। ये देखिए, जैसे यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था बताना, ये देखिए कि आपकी वेबसाइट पे नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉलो लिंक कितने हैं, और जैसे कोई गवर्नमेंट लिंक है तो अगर आपने डाल रखा है तो वो भी शो करेगा, अगर एजुकेशन लिंक डाल रखा है तो वो भी शो करेगा, और गूगल में आपके कितने पेज इंडेक्स हैं, तो मेरे जो है 188 पेज इंडेक्स हैं गूगल में। अब आइए अगले देखते हैं कि कंपटीटर एनालिसिस।
इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जैसे आपकी जो वेबसाइट है और जो आपके कोई और कंपटीटर है, आप उसकी वेबसाइट का फुल व्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना वेबसाइट डाला और एक कंपटीटर का डाला, और यहाँ से एनालाइज पे जब क्लिक किया तो यहाँ से मुझे सारी जानकारी मिल गई कि यूजेबिलिटी क्या है, कि पेज साइज जो मेरा है वो 62 KB का है, कंपटीटर का 98 KB का है, वर्ड काउंट कितने हैं, इमेज काउंट क्या है, लिंक काउंट क्या है, फ्लैश यूज हुआ है कि नहीं, फ्रेम कितने हैं, टेक्स्ट रेशियो क्या है, फेविकॉन यूज हुआ है कि नहीं, लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, लोड टाइम क्या है, तो वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, और अब आइए इसमें हेडिंग की ओर चलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कितनी हेडिंग यूज किया है और मेरे कंपटीटर ने कौन कौन सा यूज किया है, ये सारा आपको जानकारी लगभग एक तरह से आपको आपके वेबसाइट की फुल जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो टूल है कंपटीटर एनालिसिस टूल, बहुत ही अच्छा है। अगला है साइट मैप, एसईओ साइट मैप बिल्डर। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो साइट मैप एक आपके वेबसाइट को रैंक कराने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अपना यहाँ इंटर किया अपना डोमेन नेम और सब कुछ, यहाँ डिटेल डालने के बाद जब मैंने इसे जनरेट किया तो इसने बताया कि लिंक डेप्थ 11 है और इसने लगभग मेरे 770 पेजों को स्कैन किया है, और मैं यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और इसे डाउनलोड करके फिर अपनी वेबसाइट में इसे मैं लगा सकता हूँ। तो क्या करता है ये, इट जनरेट अ साइट मैप फाइल विच कैन बी डाउनलोडेड इनटू XML, TXT एंड HTML फॉर्मेट, दस मेकिंग इट इजी टू क्रिएट अ न्यू साइट मैप एनी टाइम यू मेक चेंजेस ऑन योर वेबसाइट। जो भी आप अपनी वेबसाइट पे चेंज करते हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। तो लगभग ऐसे ही इसके पास बहुत से टूल हैं जो कि आप फ्री में यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग में, याहू की रैंकिंग में आप ऊपर ला सकते हैं। अपने मतलब सीधी बातों शब्दों में कहें कि आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को बहुत ऊपर ला सकते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या है, सोशल मीडिया टूल भी है, मैक्रो इन्फ्लुएंसर जनरेटर टूल भी है, ये सोशल मीडिया एनालाइजर के बारे में जानते हैं। तो ऐसी करके इसमें बहुत से टूल है, और सबसे खास बात है कि ये जो है ये लगभग इसके सारे टूल्स एक एंड्रॉयड ऐप और मोबाइल iOS ऐप पे भी अवेलेबल है। जैसे देखिए, मैंने अपना और अपने कंप्यूटर का यहाँ पे डाला और यहाँ से एनालाइज किया, तो जब एनालाइज किया तो एक्टिविटी जो शो हुई, ये देखिए कि मेरे फेसबुक पे कितने लाइक है, कंप्यूटर के कितने हैं, ट्विटर पे क्या कितने फॉलोअर हैं, क्या लाइक्स हैं वगैरह, और सब कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। कितने हैशटैग यूज हुए हैं ट्विटर में, या फिर या यूट्यूब में, फेसबुक में कितने पोस्ट शेयर हुए हैं वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप कम पैसे में अपना अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कराना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। मैं भी इस टूल का यूज करता हूँ। और दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और भी नए नए वीडियो आप लोगों के सामने बनाता रहूँ। और